बिना किसी रुकावट के मेरी वीडियो का ऐसे ही मजा लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए अभी चैनल को और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार्टअप यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, पढ़ाई है, वो कहाँ से करनी है, कौन सी बुक्स से करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे तरीके से करिए ना, ताकि अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और साथ ही में अगर अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट करा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं दिया है, तो प्रैक्टिकल करके देखो यार। प्रैक्टिकल करने से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती है। जैसे कि लाल कलर का बटन दबाने से वो कौन से कलर में चेंज होता है, नीचे देखो जाके एक लाल कलर का बटन होगा वीडियो के ठीक नीचे ही, उसको दबाओ, देखो कौन सा कलर में वो चेंज होता है। उसके बाद एक घंटी आएगी, वो घंटी भी दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलने लगे। तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें पढ़ाई है वो आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर CBSE बोर्ड के 10th या 12th क्लास के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उसकी मार्किंग स्कीम मिल जाएगी। उन दोनों को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। PDF आपको एक मिल जाएगा, उसको स्क्रॉल करिए, पूरा पैटर्न आपको ढंग से देखना है। उसके बाद उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उसको पूरा समझिए कि किस किस पैटर्न में आता है, क्योंकि और वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, और एक एक नंबर वाले आते हैं, दो दो नंबर वाले आते हैं, उसमें आपको कितना लिखना चाहिए। उसके बाद जब आप उसको सॉल्व कर लें तो उसके बाद मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप खुद ही अपना पेपर चेक करिए और देखिए आपने कहाँ पर गलतियाँ करी हैं। मतलब आपने एक नंबर के लिए कितना लिखा, आपने और वाले में क्या करा, आपने न्यूमेरिकल्स में क्या क्या करा, कितना सॉल्व करा और कितना लिखा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि मार्किंग स्कीम कितना मांग रही थी और मैंने कितना कर दिया है। इसकी मदद से आपका जो पेपर में लिखने का पैटर्न है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अब पढ़ाई करने की बात आती है तो आप CBSE की ही वेबसाइट पर जाके बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके आराम से इन बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये भी PDF फॉर्मेट में आ जाएंगी, फिर आपका मन करे तो आप चाहे तो इनको डाउनलोड भी कर लीजिए, चाहे तो आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं आराम से। और उसकी मदद से आप पढ़ेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। और बाकी तो आपके जो यहाँ पर स्कूल वालों ने जो कोर्स लगवाया है वो भी बहुत अच्छा ही कोर्स है, तो पहले तो आप उसी को सॉल्व करिए। जब वो सॉल्व हो जाए उसके बाद आप अगर खरीद सकते हैं तो मार्केट से एक आधा कोई अच्छा सा सैंपल क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए, चाहे वो फुल सर्कल का हो, चाहे फिर वो दोस्तों ओसवाल या फिर अरिहंत किसी का भी हो। वैसे फुल सर्कल का सुपर 20 सैंपल पेपर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आप कह सकते हैं आपके काम आ जाएगा वो। उसमें 10-15 आपको आराम से सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, अगर आपने उन्हें सॉल्व कर लिया तो हो सकता है आप टॉपर हो जाओ इस साल के। आपके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फिर, तो वो चीज़ बिल्कुल हो सकती है और आप ही टॉप करने वाले हो सकता है आप में से कोई एक टॉपर भी बने। बाद में आके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ की मदद से आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो अपनी जो नॉर्मल स्कूल में बुक लगी हुई है उसी को पढ़ो, उसको पूरा पहले कोर्स तो कंप्लीट करो। जब एक बार वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब आपका पूरे कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब उसको रिवीजन करने का, रिवाइज करने का वक्त आता है, तब आप लीजिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और CBSE का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो मैंने उनकी वेबसाइट पे बताया है, और उन सभी को सॉल्व करिए, उनका पैटर्न देखिए मैच खाता है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अच्छे वे में सॉल्व करना है। और बस इतना ही करना है, ज़्यादा फालतू का कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन बाजी नहीं लेनी है, इतनी मोटी मोटी 10 बुक को लेके नहीं बैठना है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है, अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखिए और बस। तो बस इस तरीके से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और साथ ही में अगर अभी तक आपने डाउटनट ऐप को इंस्टॉल नहीं करा है तो डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इसकी मदद से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्री ऐप है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं करा है तो लाइक और शेयर कर दो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, और साथ ही में वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल कलर का बटन होगा उसको दबा के सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।